फ्रेंड्स, उर्वशी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुट्टू के आटे के परोठे। इसको दही के साथ सर्व किया है और बहुत ही कुट्टू का आटा बहुत ही न्यूट्रिशियस और टेस्टी होता है। जब ये अंदर मसाले डाल के बनाया जाता है तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इसको दही के साथ सर्व किया जाता है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो कुट्टू का आटा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है और मिक्सिंग बाउल में मैं डालूंगी, एक बड़ा बाउल लिया है मैंने कुट्टू का आटा, तो ये ले लेती हूँ मैं। ये देख सकते हो आप इसे क्वांटिटी, ये साइज का बाउल लिया है मैंने, एक कप के माप का बाउल है। और इसके अंदर हम डालेंगे स्वाद अनुसार सेंधा नमक। सबसे पहले हम मसाले कर देंगे और इसमें अदरक एक टुकड़ा जो मैंने बारीक काट के रखा हुआ है, एक हरी मिर्च ली है जिसको मैंने बारीक काट लिया है, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच आमचूर का पाउडर, दो टेबलस्पून मैंने हरा धनिया लिया है बारीक कटा हुआ, और ये दो मीडियम साइज के आलू लिए हैं जिसको मैंने उबाल के छिलका निकाल के इसको ग्रेट करके रेडी रखा हुआ है, तो इसको मैं ले लेती हूँ। और दो चम्मच जितना मैं दही लेती हूँ, दही से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब हम ये सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा बाइंड करने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करेंगे और पानी थोड़ा थोड़ा सा हाथ में लेते हुए इस तरह से हमें डालना होगा। दो बार मैंने हाथ में लेके पानी डाला है, बाद में जरूरत पड़ने पर इसको मैं यूज करने वाली हूँ पानी को। इसका जो आटा है वो मीडियम कंसिस्टेंसी का बनाना है, और जब भी ये कुट्टू के आटे के परोठा बनाना हो तो उसी वक्त आप ये आटा रेडी करिएगा, अदरवाइज ये हो सकता है कि ये एकदम नरम हो जाए, तो इसीलिए ये जब भी बनाना हो तभी ये मिक्सचर रेडी करिएगा। अब मैं इसमें भुना जीरा पाउडर का डाल रही हूँ, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, तो ये मैं इंक्लूड कर रही हूँ। तो इसका मैं आटा गूंद के रेडी कर देती हूँ। ज़्यादा पानी लेने की जरूरत नहीं पड़ी है, अभी ये मीडियम कंसिस्टेंसी का हो गया है, तो इसको मैं अच्छे से गूंद के रेडी कर दूंगी। तो ये देखिए ये आटा रेडी है, तो इसके मैं बॉल्स बना दूंगी, मीडियम साइज के बॉल्स बना के रेडी कर देने हैं। इस तरह से हमें ये मीडियम साइज के बॉल्स बनाने होंगे। आप अपने मर्जी के अनुसार थोड़ा सा छोटा या बड़ा कर सकते हो। ये मीडियम साइज का मैंने रेडी किया है, इसी तरह से हम बाकी के भी पेड़े रेडी कर देंगे। तो ये जो पेड़ा है वो हम इसमें, ये आटा ही लिया है कुट्टू का आटा, उसी में इस तरह से लपेट के, हम चारों तरफ से लपेट के इस तरह से बाद में इसकी पराठा बेल देंगे। ये देखिए आसानी से ये पराठा बेल के रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा हल्के हाथों से उठा के इस तरह से थोड़ा सा और आटा छिड़क के दूसरी तरफ उसको रख के बाद में वापिस इसको इस तरह से आप बेल के रेडी कर सकते हो। तो ये देखिए कितना आसानी से ये उठ जाता है और हम उसको हाथ में लेकर तवे पे डाल सकेंगे। तो इसी तरह से आप आटे में लपेट के बाद में इसको बेलना, तो ये आसानी से पराठा रेडी हो जाएगा बेल के। तो इसी तरह से हम दूसरा भी बेल देंगे। तवे पे मैंने तेल स्प्रेड कर रही हूँ, नॉनस्टिक तवा लिया है, आप कोई भी तवा ले सकते हो। तो ये तवे पे मैं ये परोठा जो है कुट्टू के आटे का, ये मैं इसके ऊपर रख दूंगी। तो इसको स्लो आंच पे हमें ये पकने देना है,
तो एक साइड पक जाने के बाद हम इसको पलट लेंगे और मीडियम आंच पे हमें इसको अब दूसरी तरफ भी पकने देना होगा। तो दूसरी तरफ भी ये पक गया है, तो अब मैं इसको पलट के ये देखिए इसी चिट्टिया बन गई है। तो अब हम इसके ऊपर तेल डालेंगे, आप चाहो तो घी में भी सेक सकते हो, घी में भी बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा इसका। तो इस तरह से तेल डालते हुए हम दूसरी तरफ भी तेल डाल के रेडी कर देंगे। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी और न्यूट्रिशियस ये कुट्टू के आटे के परोठे रेडी है। इसको दही के साथ सर्व किया है, तो इसको आप ट्राई जरूर करना और अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।